ए गुड मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो यार कल रात में अपने को वीडियो एडिटिंग करना भूल ही गया। अब रीजन क्या था एंड करने के लिए, बिकॉज जो अपने साथ दो बंदे मिले थे अपने को वॉल्वो के अंदर, वो भी यहीं आ गए थे। तो भाई कल रात फुल डॉन मस्ती चली, उसके बाद वो चले गए डिनर वगैरह करा। डिनर आज अपना ट्रिप रहने वाला है टूवर्ड सोलांग वैली। अब उसके लिए डिसाइड करा आपने कि हम बाइक मतलब बाइक यहाँ से हायर करेंगे, बिकॉज पहले सीन क्या था कि कार से जाएंगे। सो यार दिस इज़ अ मॉर्निंग व्यू फ्रॉम द बालकनी। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा है, थोड़ा पीसफुल प्लेस है, बिकॉज वी आर स्टे इन ओल्ड मनाली जो कि आउटर साइड है फ्रॉम द मेन मनाली। भैया गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। कैसी रही नींद? गजब। हालत देखो भाई रूम की, सब बिखरा बिखरा पड़ा है। तो यार अपन लोग रेडियो के निकल रहे हैं टूवर्ड सोलांग वैली, और प्लान जैसा कि बताया गया था कि बाइक से चलेंगे। लॉन्डेली आया बाइक। डन, बॉयज आर रेडीज। हाउ द जोश, बोलो भाई हाय। चलो जी, तो भाई चलाएगा ये वाली बाइक, अपनी है ये ब्लैक, मैन इन ब्लैक है ना भाई, मैन इन ब्लैक। डन, भाई लौंडे आता जोश। अपने आगे दो राइडर ये रे, जल्दी पेट्रोल फिल कराते हैं। कितने कराओगे यार? 400 का करा लेंगे, 400-500। 500 का बहुत है मेरे हिसाब से। 500 का डलवा लेते हैं ना, जरूरत पड़ेगी तो रास्ते में डलवा लेंगे, होगा पेट्रोल पंप तो। हां खाली एरिया ना, नहीं होगा। तेरे यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट होती है टूवर्ड सोलांग वैली, यहां से अपना 10-11 किलोमीटर का है। दो बंदे वहां पे अपने रेडी हैं, और लौंडा अपना एक बादशाह। बढ़िया, कैसा लग रहा है ड्राइव करके? और मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, भैया बहुत अच्छे थे यार, और बाकी आके चल के देखते हैं। बट नजारे देखो भाई, नजारे के नजारे हैं, और अपने को जाना है वहां पे जहाँ पे वो स्नो वगैरह है। तो चलते हैं और देखते हैं अपने साथ, आप भी हमारे साथ जर्नी एंजॉय करो। तो उसकी यानी बाइक वगैरह चलाना, लौंडा क्योंकि लौंडा है टफ बाइक चलाने में। हमें तो भाई गाड़ी वाड़ी आती है, गाड़ी से इस बार आए नहीं है। तुमने कहा भाई इस बार हमारे को ये लेके जाएगा, हमेशा मैं इसको लेके जाता हूँ, इस बार ये मेरे को लेके जाएगा। तो यहाँ पे रुके हैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, और भूख यार सुबह तो कुछ खाया भी तो नहीं था। यहीं पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं ना, यहाँ पर खाते हैं भाई, क्योंकि सुबह से हमने। और मैगी पहाड़ों में आएंगे तो मैगी नहीं खाएंगे तो बात क्या खाया? पहाड़ों की मैगी ना, तो बोलो फिर भाई। पूरे बाल खराब हो गए हेलमेट लगाने के बाद, है ना? मुझे लगा फोटो वगैरह भी पता नहीं कैसी आएगी। कौन कौन से जो पूछ ले, भाई पराठा और मैगी ऑर्डर कर रहा है। और ये देखो वुमेन एम्पावरमेंट, सारी लेडीज काम कर रही है। देखो हेलमेट्स अपने यहाँ पे है, बाइक्स अपनी यहाँ पे है। आंटी आंटी के कहने में हमने पराठा ऑर्डर करा है ना, याद रहेगी ना? ठीक है भाई। लोकेशन इतनी मस्त लोकेशन है जहाँ से हमने ऑर्डर करा है, यहाँ बैठ के व्यू बस क्लीन कर रहे भैया, और सामने का व्यू नजारे देखो यार। तो ठंडे हो जाएंगे ना, ठंडे हो जाएंगे तभी लौट का बोल रही है। अभी क्या बोले हमने, चार पराठे, दो पराठे, दो अपने नाम बताओ। नहीं नहीं यहाँ पर रुके हैं, चार चाय। मेरा नाम कुसुम। कुसुम, तो आज हमें ये मैडम होस्ट कर रही है, और ये बनाएंगे हमारे लिए चार पराठे और एग। तो भाई अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, पराठे आलू भी आज मिक्स है ना, और यार चटनी जो है नहीं वाली, ये बहुत अच्छी है चटनी। इसके बाद अभी अभी आएंगे ना, उनको बोल देना दो पराठे और बोल देंगे उनको ना। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तुम बोल देना। Thank you.
सर यहाँ पे आ गए अपने को एक ब्लॉगर भाई और मिल गए अभिषेक। तो भाई क्या नाम से आपका चैनल? ब्लॉग फॉर यू। ब्लॉग फॉर यू, वेरी गुड। और ये इनके साथ भाई आए अभिषेक, दोनों दिल्ली से हैं अपनी बाइक से खुद से, और इन्होंने लगा भी रखा है पे ब्लॉग फॉर यू के नाम से चैनल देखना। तो भाई कहाँ कहाँ होकर आए हो अभी आप? अभी तो भाई रात को थे तो अब घूमने निकले। हम सुबह 5 बजे के निकले हुए थे कल, और शाम को 6 बजे मनाली पहुंचे हैं। पूरे हमने कवर करे रास्ते के, हमारे कैसे रहे, कितने का हमारा पेट्रोल लगा, पूरा एक्सप्लोर करा, उसके बाद हम यहाँ। अच्छा, फिर भी मतलब आप क्या बताना चाहोगे जो अगर दिल्ली से आ रहा है अपनी बाइक से, फिर भी अप्रोक्सीमेट कितना आ जाता है खर्चा वगैरह? पेट्रोल का तो हमारा जो एवरेज दिया हमारे 35 की दी है, और वो भी 2000 के तेल में पूरी यहाँ तक आगे। तो ना मुझे लग रहा आधे में तो पहुंचे, जब आधे में आया तो आधे में पहुंच जाओगे। ट्रेन देखो कैसा है, अपने को नीचे से वैसे खच्चर वगैरह मिलते हैं, बट अपन लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग आएंगे अपना वॉक करके चलेंगे, थोड़ी हाइकिंग वगैरह भी हो जाएगी इसी तरीके से। चलो चलो भाई, अपन लोग वहां से कहीं से चलते हुए आए हैं और यहाँ पहुंचे। वैसे आने का रास्ता खच्चर से भी हो सकता था, लेकिन भाई की ब्लॉगर ब्लॉग फॉर यू ने सजेस्ट करा पैदल वैदल चलेंगे, थोड़ी ट्रैकिंग भी हो जाएगी इस बार ना, मिल जाएगा भाई और साथ मिल जाएगा। वैसे हम मैगी पॉइंट वगैरह भी है खाने के लिए, बट अपन लोग नहीं खाएंगे अभी भाई। पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाई तो गलत बात है भाई। तो अभी नहीं खाएंगे, ऊपर और ऊपर जाके खाएंगे। देखो वहाँ बर्फ बर्फ डालोगे मैगी में? बर्फ में, हाँ मैगी बर्फ डाल के खाएंगे भाई। वैसे नीचे से भी आप लोगों को बोलेंगे लोग कि शूज वगैरह के लिए और ऊपर कपड़े वगैरह के लिए कि ऊपर आइस वगैरह होती है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहीं आके लो, बिकॉज यहाँ पे भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं और नीचे से ज़्यादा आपको सस्ता मिल जाएगा यहाँ पे। मतलब नीचे अगर 100 रुपीज़ है शूज़ के, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ बताया था ना हमने, 70-50 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो बेटर है ऊपर आके लो, नीचे से वेट भी कम रहेगा शूज़ वगैरह। तो ट्रैक करके आना तो अपने शूज़ से, और प्लीज़ बूट वगैरह मत पहनना, थोड़ा हैवी रहता है, बिकॉज जो रास्ता जो ट्रेन है ना स्लिपरी है, और प्लस थोड़ा ऊपर मतलब ऊपड़ खाबड़ टाइप का है। तो बेटर है तो आपके पास कोई स्पोर्ट्स शूज वगैरह पहन के आओ। और आप मनाली आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा बार्गेन जरूर करें, सीजन के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा अच्छे साथ करते हैं, तो बार्गेनिंग करें। जितने ज्यादा बार्गेनिंग करेंगे रेट प्राइस को तोड़ेंगे तो आपको कम से कम में और अच्छा से अच्छा मजा मिल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मजा लेने तो है यहाँ पे हाई लो, और करने का है। जिप लाइनिंग वगैरह होती है यहाँ पे, 500 रुपीज चार्जेस है, बट आपको बार्गेनिंग करें, और नहीं मना है तो मत करें भाई। हम तो नहीं कर रहे हैं बेसिकली, बेसिकली कुछ नहीं है, एक्टिविटी अपनी करवा रहे हैं ये। मतलब नीचे स्कूटर ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बट एपीडीडी ऐसे कुछ, चलो जो भी है 4x4 का। तो नीचे से ये भी आते हैं, घोड़े से भी आ सकते हो भाई। बहुत फनी मिले हमें पूरे रास्ते, इन्होंने मजा बांध के रखा है, यही मिले हैं, और अभी ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से जानते हैं हम लोग एक दूसरे को। दिल्ली वाले हैं ना? दिल्ली वाले हैं, दिल्ली से है। बस 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 बस, जब पीछे का व्यू देख रहे हो, हम बिल्कुल डेड एंड पॉइंट तक आ गए हैं। अभी इससे नजारे के मस्त है, पीछे देखो बर्फ एकदम खतरनाक। लड़का अपनी सेटिंग के साथ फोन पे लग रहा है। अरे नहीं, मैं घर पे बन रहा हूँ, मेरी कोई सेटिंग नहीं है। सेटिंग नहीं है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट यार -2 या 3 के आसपास है, और पीछे एकदम फुल पैक आइस। अब नीचे उतरने में थोड़ी दिक्कत ये भी है, क्योंकि बाइक हमने नीचे पार्क कर रखी है, और यहाँ पे मतलब जो पहले की बर्फ पड़ी है वो ब्लैक आइस के चक्कर में ना थोड़ा स्लिपरी हो रहा है रोड। तो अभी भाई लोग निकले क्या, टाइम ऑलमोस्ट 3:30 के आसपास हो रहा है, और जो कल अपने लड़के आए थे वो थोड़ा आगे गए हुए हैं भाई, हम तो गए नहीं, बिकॉज ना अपनी हिम्मत है, ज्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत जो भी होगा। तो यार अभी देखते हैं जितना ऊपर और जा सकते हैं उतना ट्राई करते हैं, बट नीचे तो मना किया गया था, और वेदर देखो यार क्या झन्नाटेदार मौसम हो रहा है, कोशिश करते हैं बट टाइम लैप्स लेने की। थोड़ी देर यहाँ पे स्टे करते हैं, 5-7 मिनट बैठते हैं, फिर नीचे उतरते हैं। और मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो यार आज का दिन एकदम मस्त रहा, मतलब जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छा रहा। बट भाई के चक्कर में इसने बोला हिमालयन लेंगे, बाइक से चलेंगे। हिमालयन लेके तो नहीं, वही कह रहा हूँ, मतलब तूने सजेस्ट करा ना इसलिए चल रहे हैं। हिमालयन सजेस्ट करा था, और हम लेके भी आए हैं, लेके भी आए, और लेके भी जाएंगे। कहते हैं ना पहाड़ों पे आए और मैगी ना खाए तो क्या फायदा। चलो शुरू करते हैं। तो जिस चीज के लिए इतने ऊपर आए थे मैगी के लिए, वो आ चुकी है। विनय भाई ने तो वेट भी नहीं करा, सीधा सीधा वेट। अरे अच्छा, भूख लग रही थी। तो यार अपन लोग आए थे वहां किसी पॉइंट से नीचे, और ऑलमोस्ट अपने को 4 घंटे लगे ट्रैक करने में। जब यहाँ से निकलते हैं टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5:30 बजे के आसपास। तो आज मैंने घड़ी नहीं पहनी यार, इसीलिए मुझे दिखा नहीं सकता हूँ। के लिए अपने होटल या फिर अभी
देखते हैं कहीं और या मार्केट लोकल मार्केट लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट एक्चुअली रीजन क्या, मेरे फोन की बैटरी भी डिस्चार्ज होने वाली है, तो आई डिसाइडेड कि पहले हम होटल पे पहुंचते हैं फिर उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली यार वी रीच एट अवर रूम। इतना ज्यादा जाम लगा हुआ था, इतना ज्यादा जाम था यार कि मतलब बाइक पे निकलने के लिए भी जगह नहीं थी। दो रास्ते अपने डाइवर्ट करे, मतलब कहने को था वो 45 मिनट्स का वे, बट आने में भाई अपने को लग गया कम से कम नहीं तो 2.5-3 घंटे के आसपास खा गया था। विनय अभी बात कर रहा है अपने घर पे, और देखो भाई ठंड कितनी है, मुंह से देखो क्या धुआं निकल रहा है भाई लड़के के। सो इट्स अ डिनर टाइम। विनय भाई ने अपनी एकरी खोली और मेरे लिए अलग मनक मंगाई है। आपको भूख लग रही है? तो अपनी एकरी और चपाती एंड साथ में सैलेड जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। वेरी हंग्री बिकॉज मॉर्निंग से आज अपने को ज्यादा अच्छा खाया नहीं था, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वगैरह करता। इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और कल मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।